आज मैं जो हूँ अकेला बच्चों को छोड़ने के लिए आया, क्योंकि मामा ने बोला कि आज आप जाओ, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा ठंड है। मुझे अभी तकरीबन नीचे एक टी शर्ट, एक बनियान, गरम बनियान टी शर्ट, उसके बाद एक गरम शर्ट पहनी हुई है, फिर उसके बाद ये स्वेटर पहना हुआ है और जैकेट पहना हुआ है, फिर उसके साथ साथ मुझे पैंट में नीचे टाइट्स पहनी हुई है, टाइट्स के साथ दो मोज़े, गरम शूज़, और फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। बहुत ही ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तकरीबन -4 चल रहा है यहाँ पर, -4 टेम्परेचर चल रहा है, जो नहायत ही ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर मौसम। आप देख रहे हैं मेरा चेहरा बिल्कुल खुश्क हो गया, हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड होने की वजह से सांस भी फूल रहे, क्योंकि हवा यहाँ पे बहुत ही कम, और जैसे कहते हैं ना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो है, मगर क्या है कि ठंडी हवा की वजह से ना नाक वगैरह सारा बंद हो जाता है। की तरफ रास्ता जाता है, एक रास्ता यहाँ पर जाता है, एक रास्ता यहाँ पर जाता है, यहाँ पे सारे अपार्टमेंट्स वगैरह, एक रास्ता यहाँ पर जाता है, ये सीधा मार्केट की तरफ, नेटो की तरफ मार्केट है, वहाँ पर ये यहाँ पर कहीं भी बर्फ़ नज़र नहीं आ रही। मैंने समझा बर्फ़ गिरेगी, सुबह 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 को मौसम ऐसा था जैसा लग रहा था कि बर्फ़ गिर रही है, मगर वो धुंध थी, धुंध की वजह से तो मौसम बिल्कुल ही ज़बरदस्त मौसम था। तो हम लोगों ने ये सोचा कि यार चलो आज बर्फ़ गिरेगी, तो सारे कपड़े जो हैं हम लोगों ने बर्फ़ के निकाल के रख दिए, जो स्पेशल कपड़े होते हैं बर्फ़ के लिए वो हम लोगों ने निकाल के रखे, मगर बर्फ़ नहीं गिरी। मगर मौसम बिल्कुल ही ठंडा मौसम है, -4 -5 चल रहे, हाथ तो बिल्कुल बर्फ़ फ्रीज हो गए। अभी मैं जा रहा हूँ बीच पर, और बीच पर जाके थोड़ा बीच का नज़ारा लेते हैं। सुबह सुबह के टाइम पर बीच पर बड़ा मज़ा आता है। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है मेरे घर से। ये मेरे बैक साइड पर आप देख रहे हैं नेटो मार्केट है, इस नेटो मार्केट से हम लोग सामान खरीदते हैं। ये मेरे घर के बिल्कुल ही करीब है, तकरीबन 1 मिनट का रास्ता है। यहाँ से हम लोग सारी शॉपिंग करते हैं, जो जो ज़रूरत की चीज़ें, मगर हर चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती, कुछ ही चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, अवेलेबल होती हैं, वरना हम लोग शॉपिंग के लिए कोई बड़े सिटी जाते हैं। ये एक छोटा सा विलेज है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, छोटा सा गाँव है, इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं है। यहाँ पर एक मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट नेटो, और आबादी बहुत ही कम है। बहुत ही खूबसूरत सा एरिया है, इसके पीछे ही बहुत बड़ा जंगल है। अभी मैं वॉकिंग कर रहा हूँ मेन रोड से डायरेक्ट रास्ता जा रहे हैं बीच का। आप यहाँ पे पैदल भी चल सकते हैं, आप यहाँ से साइकिलिंग भी कर सकते हैं, साइकिल ट्रैक भी बना हुआ है, ये साइकिल ट्रैक है, ये भी साइकिल ट्रैक है, साइकिल ट्रैक भी है और पैदल चलने वालों के लिए भी है। मौसम बहुत ही ठंडा हुआ है, ज़बरदस्त मौसम है। शील्ड आप देख रहे हैं, ये शील्ड का मतलब यहाँ पे आप पैदल भी चल सकते हैं और आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। स्टॉप है जो जंगल के बीच में बस स्टॉप है, और अक्सर यहाँ पर रात को लोग खड़े होते हैं तो बस का इंतज़ार करते हैं। जंगल और जंगल के बीच में बस स्टॉप है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपकी बस अगर मिस हो गई और आप अंधेरे में यहाँ पर खड़े हो, तो यहाँ से जंगली जानवर गुजर रहे, तो अच्छा वाला इंसान होगा, जो जो बड़े जिगर वाला बंदा भी होगा, मैं तो कहता हूँ वो भी, अभी मैं क्या बोलूँ, समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जंगल बहुत ही घना जंगल है, और बस स्टॉप पे खड़ा होना हर अकेले बंदे की काम की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। जो रास्ता आप लोग देख रहे हो, ये रास्ता जाता है डायरेक्ट बीच को, और ये जो बीच है वो जंगल के बीच में, बिल्कुल जंगल में, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में,
क्योंकि हम लोग लोकल एरिया लोकल लोग हैं यहाँ के, तो हमें यहाँ पे पता है यहाँ पे बीच है एक जो जहाँ पे समर कैंपिंग भी होती है। मैं अभी वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ, 2 मिनट रह गए पहुँचने में। सिग्नल क्रॉस करना है, उसके बाद बीच स्टार्ट हो जाएगा। ये सिग्नल है, सिग्नल क्रॉस करना है। सिग्नल क्रॉस करने के बाद ये जो है फ्लड यूनिवर्सिटी है, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर के बारे में, इसका नाम है हाई फोकस शो। इसमें एग्रीकल्चर और जियो साइंस के बारे में सारे कुछ और मिनरल्स के बारे में ये अप्लाइड यूनिवर्सिटी है। जंगल के बीच में यूनिवर्सिटी है। बोर्ड के अंदर यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री लिखी हुई है, जो हिस्ट्री है इसमें यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है ये यूनिवर्सिटी 15 जनवरी 1500 ईयर ओल्ड ये यूनिवर्सिटी है। 1541 में ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे कायम हुई थी, जिसकी बुनियाद रखी थी। आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, और अभी इसको रिन्यू किया था 1970 में, 1970 में इसको रिन्यू किया गया था। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है। बंदा सोच के भी बोलता है यार इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी अभी तक देखें वो कायम है, अभी तक वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। ये नहीं कि सिर्फ यहाँ से आते हैं, मैंने यूनिवर्सिटी के इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मैंने यहाँ पर देखी है, देखा पहले देखा था, पिछले साल देखा था, इतनी रश थी पूरे रोड भर गया था। फिर पता चला यहाँ पे एंट्री टेस्ट है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऑस्ट्रिया से लोग आए, यूरोप के पता नहीं किस कॉर्नर से लोग आए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। इनकी वजह से यहाँ पे 10 मिनट का रास्ता, वो रास्ता मैंने तय किया 20 मिनट में। 20 मिनट में क्यों तय किया है, क्योंकि ठंड की वजह से पाँव जाम हो गए, पाँव नहीं चल रहे बिल्कुल ही, बोलते ना हिल रहे नहीं है पाँव। जितनी कोशिश कर रहा हूँ तेज़ चलने की, मगर हवाएं इतनी तेज़ हैं, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, और उस वजह से बोलते ना पाँव जाम हो गए बिल्कुल। चलने की बहुत कोशिश करता हूँ, बड़े कदम उठाने की, मगर क्या है कि पाँव चल रहे नहीं है बेचारे, ठंड में साथ ही नहीं दे रहे। कल रात को ही थी तेज़ हवाएं, जिस हवाओं की वजह से ये दरख्त, बहुत सारे दरख्त गिर गए। ओए ओए ये पूरे दरख्त गिर गए, पूरे रास्ते ट्रैक पे यही बना हुआ है, ट्रैक पे गिरा हुआ है। अभी मुझे क्रॉस करना है यहाँ से, क्रॉस करूँ सारा तो चले, मैं क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ। आखिरकार मैंने वो दरख्त तो क्रॉस कर लिया, बड़े मुश्किल से क्रॉस किया है, क्योंकि वो दरख्त इतना बहुत बड़ा था और बिल्कुल ही अंदर की तरफ था। उधर भी सारी टहनियाँ टूटी हुई थी, कुछ काट के रखी हैं क्योंकि अभी ठंड आने वाली है, ठंड के लिए वो लकड़ियाँ बहुत इस्तेमाल होती हैं, और ये लकड़ियाँ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, मगर इस लकड़ियों को आम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते। यहाँ पे जैसे जंगल जो महकमा जंगलात है, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ जंगलात है, उनका राइट से वो लोग काट सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हर किसी को अलाउ नहीं है। ये बेचारा इसके दोस्त से हो गए, इसको काट दिया गया, पर जिस्म अलग कर दिए गए, ये पड़ा हुआ ऐसे ही। आखिरकार करते 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 मैं पहुंच गया जहां पे मुझे पहुंचना था। ये नज़ारा जबरदस्त नज़ारा है, क्या जबरदस्त नज़ारा, और समर कैंपिंग भी होती है, समर वॉलीबॉल भी होता है, यहाँ पे बैक साइड पे कैंपिंग होती है। आसमान, खुला आसमान,
तो रेत देखें, ये देखें कितनी खूबसूरत रहती है। ठंड की वजह से देखें जाग पूरी जम गई है। ये पानी इतना साफ है, आप देख सकते हो इतना साफ पानी है। पानी में आप ये सामने ये बदकों का एरिया है, लैंड ऑफ बदक। यहाँ पे आपको बदक नजर आएंगे, सिर्फ बदक ही बदक, बदकों का जजीरा। ये उड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं जंगली बदक। यहाँ पे लोग कोई आए समर कैंपिंग के लिए, विंटर कैंपिंग के लिए भी आते हैं, समर कैंपिंग के लिए भी आते हैं, मगर विंटर कैंपिंग बहुत कम होती है, समर कैंपिंग ज़्यादा होती है यहाँ पर। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, उस चीज़ का मतलब क्या है, उस शील्ड का मतलब क्या है, चीज़ नहीं शील्ड दिखाऊंगा, उस शील्ड का मतलब क्या है। इस शील्ड का मतलब यह है कि आप यहाँ पर कुत्ते घुमा सकते हैं, मगर अगर कुत्तों का सफाई रख सकते हैं। और यहाँ पे आप पत्ते नहीं तोड़ सकते, कोई जंगली जानवर जंगली परंदों को हाथ नहीं लगा सकते। वो सारी मिल्कियत लोकल गवर्नमेंट की है और जर्मन गवर्नमेंट की, उसको आप हाथ नहीं लगा सकते। कोई भी बतख का शिकार नहीं कर सकता यहाँ पर। शिकार के लिए आप लोगों को अलग एरिया बने हुए हैं, वहाँ पर आप शिकार कर सकते हैं, मगर वैसे आपको शिकार करना अलाउ नहीं है। ये सामने यहाँ पे बीच वॉलीबॉल होती है समर में, अभी ठंड में भी कभी कभी हो जाती है। जब लोग कोई लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार चलो समर में और विंटर में भी वॉलीबॉल खेलें। इस पिक्चर में आपको सारा दिखाया गया, जो लोग समझ सकते हैं वो सारा समझ सकते हैं। यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जंगली जानवर हैं, जंगली परिंदे, ये सारे परिंदे यहाँ पे पाए जाते हैं। आपको इनको तंग नहीं करना, नुकसान नहीं पहुँचाना। ये सारी जो है वो जर्मन गवर्नमेंट की मिल्कियत है, और उसे मतलब आप किसी तरीके से अगर वो परिंदे आप स्विमिंग कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो वो उनको आप भगा नहीं सकते। उनका भी पूरा राइट से वहाँ पर स्विमिंग करना आप लोगों के साथ। आप पिक्चर ले सकते हैं मगर आप उनको भगा नहीं सकते। इसके रूल्स सारे लिखे हुए हैं इसके अंदर, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर मतलब कि डिस्टेंस रखना है। अपस्टैंड मीन्स डिस्टेंस, ये जर्मन में लिखा अपस्टैंड हाल्टन फोन श्लीफन। तो ये जो आप स्विमिंग करते हैं या राइडिंग जो भी करते हैं बोर्ड राइडिंग, तो उसमें आपको डिस्टेंस रखना है। और इस एरिया में आपको देख रही है लाइन नज़र आ रही है, इस एरिया में आप नहीं जा सकते। यहाँ पे परिंदे, वो एरिया मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे बदखों का जजीरा है, इस एरिया पे आप लोग नहीं जा सकते। और बाकी एरिया में आप स्विमिंग हर चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर होती है समर कैंपिंग यहाँ पर होती है। आप समर कैंपिंग कर सकते हैं, विंटर कैंपिंग, बहुत सारे विंटर कैंपिंग कर रहे हैं, समर कैंपिंग भी होती है यहाँ पर। यहाँ पर आप किराए पर भी रेंट पे ले सकते हैं। ये जो हाउस देख रहे हैं आप, ये आप रेंट पे ले सकते हैं। ये यहाँ के लोकल गवर्नमेंट की मिल्कियत है। इसको मतलब आपको समर स्टार्ट होने से 4-5 महीने पहले रिजर्व करना होगा, वरना आपको यहाँ पर बहुत ही कम जगह मिलेगी। ये समर एरिया, समर कैंपिंग एरिया। यहाँ पे बोट भी आप किराए पे ले सकते हैं। ये सारी बोट्स हैं, आप रेंट पे भी ले सकते हैं। ये आ गया बीच का एरिया। ये समर कैंपिंग एरिया है, खूबसूरत सा एरिया। यहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। ये बतख देख रहे हैं आप। अभी तो मेरे हाथ इतने फ्रीज हो गए हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, इतने हाथ फ्रीज हो गए हैं कि मेरे हाथ बिल्कुल ही खुल नहीं पा रहे।
एक तो मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाना और उसके बाद कुछ एक्सप्लेन करना, तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल मुंह खुश हो गया, मुंह ही नहीं हिल रहा, इतनी -5 चल रहा है टेम्परेचर अभी, अभी मैंने चेक किया तो -5 चल रहा है।